सतह पे अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो। हेलो, ये जो भी गुजरे गए ये भी कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर भी अगर आप आते हो तो इसके लिए भी आपको किसी किस्म की कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिनलैंड को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों के कि फिनलैंड में एक घंटे के कितने पैसे मिलते हैं, हमें पर आवर के हिसाब से कितनी सैलरी मिलती है, कितने यूरोज मिलते हैं, इसके अलावा कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि हमें बगैर फिनिश लैंग्वेज के इजीली मिल जाती हैं। क्योंकि आपको पता है कि फिनलैंड के अंदर जो ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं वो फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं लोग लेकिन वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे काम मिलना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। तो कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि आपको बगैर फिनिश लैंग्वेज के इजीली मिल जाती हैं, प्लस कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि आप अगर फिनिश ज़बान सीख लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल जाती हैं, और इसके अलावा क्या फिनलैंड में आना इसलिए इस वक्त आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या फिनलैंड में अगर आप आना चाहते हो इस वक्त, पाकिस्तान से आना चाहते हो, इंडिया से या कहीं से भी आना चाहते हो, तो इस वक्त आना फिनलैंड में क्या वाकई बेनिफिशियल आपके लिए बेनिफिट है या नहीं बेनिफिशियल। तो देखिए फ्रेंड्स, बात ऐसी कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं अपनी कंट्रीज़ के, अब देखें पाकिस्तान हो गया, इंडिया या श्रीलंका, तो अपने कंट्रीज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो उस हिसाब से ये मुल्क बहुत बेहतर है। कम से कम पैसे कमाने के मौके तो हैं, कम से कम अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो पैसे कमाने के मौके तो हैं। यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो यहाँ पर एक बेनिफिट बहुत बड़ा अपने लोगों के लिए वो ये कि यहाँ पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो ईज़िली कन्वर्ट करवा सकते हो। आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप यहाँ पर ईज़िली कन्वर्ट करवा सकते हो फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे नज़र आया वो ये है कि 4 से 5 साल के अंदर ये मुल्क आपको परमानेंट रेजिडेंसी देने का वादा करता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं इमिग्रेंट्स को कि वो फिनलैंड में आएँ और यहाँ पे आके वो काम करें, अपना फ्यूचर संवारें, अपना फ्यूचर बनाएँ। तो पर आवर घंटे के हिसाब से सैलरी क्या चल रही है फ्रेंड्स, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो 9 से 13 यूरो स्टार्टिंग में, देखें अगर स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 9 यूरो भी पर आवर मिले, लेकिन 9 से 13 यूरो के बीच में स्टार्टिंग की सैलरीज हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि एक घंटे के हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो 9 यूरो से लेके 13 यूरो के बीच में आपको सैलरीज मिल सकती हैं फिनलैंड के अंदर। इसके साथ साथ कौन सी वो जॉब्स हैं, कौन से वो काम हैं जो कि आपको बगैर फिनिश लैंग्वेज के आसानी से मिल जाएंगे। नंबर वन पे फ्रेंड्स, पहले नंबर पे जो काम आता है बगैर जो जिसके अंदर किसी किस्म की कोई फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सबसे पहला जो काम है वो है क्लीनिंग का काम, सफाई सुथराई का काम। ऑफ कोर्स जहाँ पे जब आप आते हो तो आपको हर किस्म की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्टार्टिंग में छोटी छोटी जॉब्स ही स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे लोग जब यहाँ पे आते हैं तो वो ये सोच कहते हैं कि भाई चलो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मैं किसी ऐसे ही छोटे मोटे काम से शुरू करूँगा, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे काम आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, तो फिर मैं किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर लूँगा और फिर मैं अपना करियर वहाँ पर बना सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में ऑफकोर्स आपको छोटे कामों से ही स्टार्ट लेना पड़ता है। क्लीनिंग का काम हो गया, डिलीवरी का काम हो गया, सफाई सुथराई का, शेफ़ का काम हो गया, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम हो गया, ड्राइवर का काम हो गया, तो स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे कामों से स्टार्ट लेना पड़ता है। क्लीनिंग के काम आसानी से मिल जाता है बगैर फिनिश लैंग्वेज के। दूसरे नंबर पर वेयर हाउस जो वर्कर होते हैं, वेयर हाउसेज में भी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको स्टूडेंट एजेंसीज भी वेयर हाउस का जॉब दिलवा सकती हैं। वेयर हाउस में आसानी से काम मिल जाता है, वेयर हाउस में किसी किस्म की कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, वेयर हाउस में आसानी से काम मिल जाता है। इसके अलावा डिलीवरी बॉय की जॉब है जिसके अंदर आपको किसी किस्म की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फूड डिलीवरी की जॉब हो जाती है, मैगजीन डिलीवरी, न्यूज़पेपर डिलीवरी, ये वो जॉब्स हैं जिनके लिए आपको लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आप आना चाहते हो या एग्रीकल्चर वर्क में, उसके लिए भी यानी कि एज ए लो स्किल्ड लेबर के कामों के लिए नॉर्मली फिनिश जबान या स्वीडिश जबान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप ये जबान सीख जाते हो फ्रेंड, देखिए अपने जो लोग आते हैं यूरोप में तो स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता होता कि यूरोप में कौन सी लैंग्वेजेस चलते हैं। मैं भी जब आया था तो मुझे भी ये पता था कि यूरोप में शायद अंग्रेज़ी बोली जाती है, इंग्लिश जबान समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी लोकल ज़बानें हैं, जर्मन में जर्मन बोली जाती है, इसी तरह से स्पेन स्पेनिश, पुर्तगाल में पुर्तगीज़ बोली जाती है, फिनलैंड में इसी तरीके से फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेजेस चलती हैं। ये दोनों ऑफिशियली ज़बानें हैं फिनलैंड की, तो ये दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती हैं फ्रेंड्स फिनलैंड में ऑफिशियली सतह पे। तो आपको ये ज़बानें सीखनी पड़ती हैं, आपको अच्छी जॉब तब तक ही नहीं मिलेगी जब तक आप वहाँ की लोकल ज़बान नहीं समझोगे। तो आप अगर थोड़ी बहुत फिनिश ज़बान भी आपको आती है, आप कोशिश करो जब आप जाओगे तो आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, जब आपको थोड़ी बहुत ज़बान भी आना स्टार्ट हो जाती है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपको काम मिलने के मौके बढ़ जाते हैं आस्ता आस्ता। आपको जो एम्प्लॉय होता है वो प्रेफर करता है, वो आपको फोकियत देता है, और अगर 10 बंदे खड़े होंगे तो अगर आप जो बंदा लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ रहा है तो वो उस बंदे को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि इस बंदे के अंदर इंटरेस्ट है हमारे कंट्री के अंदर रहने का, ये बंदा ज़बान सीख रहा है आस्ता आस्ता, तो इसको मोहब्बत है थोड़ी बहुत हमारी कंट्री से, मोहब्बत है
या मजबूरी है ये तो आपको पता है, लेकिन वो देखता है कि भैया इस बंदे को थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ रही है तो इस बंदे को प्रेफरेंस दी जाती है उस बंदे को जिसको लोकल जबान आती है वहाँ से और वो लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत भी जबान आती है स्टार्टिंग में। तो इसके अलावा अगर आप जबान समझ लेते हो एज ए ऑफिशियली सतह पर, अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो, हेलो, अगर आप ऑफिशियली सतह पर अच्छे से जबान समझते हो, आप कोई कोर्स कर लेते हो या कुछ इस चीज़ पढ़ लेते हो, तो फ्रेंड्स समझ लें कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। ये जो भी गुजरे गए ये भी कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर भी अगर आप आते हो तो इसके लिए भी आपको किसी किस्म की कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि हमारे लोग जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अपनी फील्ड के अंदर उनको जॉब नहीं मिलती बेचारों को, वो दर बदर देखते रहते हैं, भटकते रहते हैं जब तक, क्योंकि जिधर भी वो जाते हैं वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट करते हैं। जिस कंपनी में जिस कंट्री में भी आप रह रहे हो तो वो कहते हैं कि जब तक आप हमारी लैंग्वेज नहीं बोलोगे तब तक आप हम आपको अच्छी यानी कि फ्रंट डेस्क की जॉब नहीं दे सकते। तो जब आप लैंग्वेज समझ जाते हो फिनिश ज़बान तो आपको वो प्रेफरेंस करेंगे, आपको फ्रंट पे काम दे सकते हैं, रिसेप्शन पे, काउंटर पे, एज ए कैशियर आपको काम मिल सकता है, कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठ के वाइट कलर जॉब मिल सकती है। तो आप समझ लो कि आपको ज़बान आ जाती है ना, अगर ज़बान के बगैर आपको एक जॉब मिल रही है तो जब आपको ज़बान आ जाएगी तो आपके लिए 10 अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी फिनलैंड के अंदर। तो एक घंटे के वैसे तो 9 से 13 यूरो मैंने बताए आपको एवरेज सैलरी, लेकिन आपको अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब मिलती है फ्रेंड्स तो पर आवर सैलरी 27 यूरो से लेकर 35 यूरो तक भी हो सकती है, यानी कि 27 to 35 यूरोस भी एक घंटे के वो लोग कमाते हैं जो कि अपनी फील्ड से रिलेटेड या फिर कोई अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। तो ये फिनलैंड के अंदर स्कोप है। बाकी अगर आप फिनलैंड की पेयर भी लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फिनिश ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई कि फिनलैंड में आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो लैंग्वेज के और बग़ैर लैंग्वेज के। पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि वो अपना पाकिस्तानी या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे ईज़िली चेंज करवा सकते हैं फिनलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप फिनलैंड जाना चाहते हो तो पहले अपना आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो पाकिस्तानी या इंडियन, क्योंकि वो आप फिनलैंड में ईज़िली कन्वर्ट करवा सकते हो फिनलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, लैंग्वेज आए या ना आए, इसके बाद पर आवर की सैलरी का क्या हिसाब किताब है, इसके साथ ये कि ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है, पीआर के लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारी आपको मैंने चीज़ें बता दी। अब बात करूँगा फ्रेंड्स वो लोग जो फिनलैंड आना चाहते हैं तो फिनलैंड आने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप भी फिनलैंड आ सकते हो। वैसे तो मैं आपको अपनी तमाम वीडियोज में बताता हूँ कि फिनलैंड आने का सबसे आसान तरीका स्टडी वीज़ा है, उसके बाद विजिट वीज़ा है, उसके बाद वर्क वीज़ा है। अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, क्योंकि इस वक्त स्किल्ड लेबर की बहुत कमी है, स्किल्ड लेबर चाहिए फिनलैंड को, तो आपको मैं काफ़ी सारे ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल्स बता चुका हूँ जो कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और वो फिनलैंड के बाहर से लोगों को हायर करके फिनलैंड में लेके आ रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई हुनर है, आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है और आप भी इस काबिल हो कि आप फिनलैंड में आ सको, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए, आपको ज़रूर ये अपॉर्चुनिटी आजमानी चाहिए। आपको एक मरतबा जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है फिनलैंड के किसी भी एम्प्लॉय की तरफ से, तो आप उसकी बेस पे इजीली अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हो और आप वहाँ से आसानी के साथ उड़ के लीगली तरीके से जहाज़ में बैठ के आप फिनलैंड आ जाते हो वर्क वीज़ा के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें बताई हैं फ्रेंड्स आपको कि आप कैसे फिनलैंड आ सकते हो एज ए लीगल वे स्टडी वीज़ा के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर, विजिट वीज़ा के ऊपर। इसके अलावा अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन पे मेरी ईमेल पे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं इस तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान जी, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।